टू एक्वायर कस्टमर कस्टमर एक्वायर हूँ, टेक द हेल्प ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, जो आपकी मार्केटिंग फंक्शन को क्या करें, बेहतर करें आपके पास। उसके बाद आ जाएगा प्लेस, प्लेस होनी चाहिए आपके पास। कहता है मार्केटिंग ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस सिटीज स्टेट्स कंट्रीज हेल्प्स टू अट्रैक्ट द विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाएगा। इसमें कहता है इंडियंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म प्रमोशन इंडिया जो है वो ये है वो है वो सारा उसके अंदर जो है अपना उन्होंने बताया हुआ। तो इसमें प्लेसेस इन्वॉल्व हैं, पर्सन के बाद प्लेसेस जहां आप टूर करना चाह रहे हैं वो आपके पास हैं, किस तरह आप जो है वो उसको लेकर जा रहे हैं। मतलब मेरी कंपनी है जो टूरिस्ट कंपनी है जो डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जा रही है लोगों को, फलां शहर में लेके जा रही है, मरी है, नारान है, कागान है, हंजा वैली आ जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अलावा जो है ना वो हजारा डिवीजन है, कश्मीर तक हम लेके जा रहे हैं। तो ये मेरी कंपनी जो है ना वो हमारी कंपनी इस तरह की मार्केटिंग कर रही है, उसको बेटर वे में लोगों को कैसे उसमें अट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी। फिर प्रॉपर्टीज आ जाएगी, लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, इट प्रोवाइड्स दी सेलिंग ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज लाइक रियल इस्टेट्स आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, सिक्योरिटीज हैं, डिवेंचर्स हैं, इस तरह की जो लोग चीज़ें खरीदते हैं हम खरीद कर उनको देते हैं, ये इस तरह की जो है वो सब। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी आपके पास, जो सर्विस सेवरल कॉरपोरेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपके पास स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे, आर्ट आ जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट हैं, ये डिफरेंट टाइप्स आपके पास आ जाएगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपने जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, किसी भी चीज़ के मुतालिक आपने पूरी तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अभी हो सकती है सर्टन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर के मामले में, टेक्नोलॉजी आपके पास है, साइंस है, मीडिया है, लॉ है, टैक्स है, मार्केट है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग एक्स्ट्रा वगैरह, डिमांड अमंग दी कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स हु आर मार्केटेड बाय सम लीडिंग इंफॉर्मेशन एजेंसीज, कुछ इंफॉर्मेशन एजेंसीज इसमें, तो आप उनको पूरी तरह जो है ना वो क्या करें, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आइडियाज आ जाएगी, लोग आपसे आइडियाज जो है वो एक्वायर करना चाह रहे हैं तो आइडियाज भी आपके पास हैं। कहता है ब्रांड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू एडवर्टीजमेंट स्प्रेडिंग ए सोशल मैसेज टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स, यानी आपने लोगों को आइडियाज देने हैं, ये काम आप करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप जो है वो लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ब्रांड्स के मुतालिक बताना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास पूरी तरह इंफॉर्मेशन होंगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा एक और टॉपिक है नेचर ऑफ मार्केट। फिर नेचर क्या होगी, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपके पास जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे आपके पास उसको जो है वो बेहतर करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंस होते हैं। जब आप मार्केट में काम करते हैं ना किसी चीज़ के मुतालिक, तो फिर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास जो है ना वो एक्स्ट्रा तौर पर आपको समझ आनी शुरू होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके बिजनेस की वर्थ में इजाफा करती है, अगर उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। अगर डायरेक्शन उसकी सही ना हो तो फिर वो कुछ भी नहीं है, फिर वो आप अपना जो है ना वो पैसा भी और अपना टाइम भी बर्बाद करते चले जा रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि नेचर ऑफ मार्केटिंग, लिहाजा जरूरी है कि आप उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। मैनेजरियल फंक्शन इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास। अभी एक मिनट में कॉल आई है, देखिए मेरा अभी एक सेकंड पहले कॉल आई है, क्या चीज़ है इस पर कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।